आंध्र प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की गैर मौजूदगी के कारण सत्तारूढ़ टीडीपी के विधायक सत्र में भाग लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने के दिन से लेकर आज तक कुल 7 दिन सदन की कार्यवाही चली है और इस दौरान ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जिस दिन टीडीपी के सभी विधायक उपस्थित रहे हों। सरकार का गुणगान करना और चंद्रबाबू नायडू और अन्य मंत्रियों के बार बार एक ही मुद्दे उठाए जाने से इस सत्र का महत्व ही खत्म हो चुका है। टीडीपी के पास अधिकार रूप से 103 विधायक है और वाईएसआरसीपी छोड़कर अनाधिकृत तरीके से टीडीपी में शामिल हुए हैं। इस तरह के कुल सदन में 125 विधायक होने चाहिए लेकिन प्रति दिन उनकी संख्या 70 से 80 के बीच रह रही है। बीच में एक दो दिन तो उनकी संख्या केवल 40 ही थी। प्रश्नकाल के दौरान अधिकांश मंत्री सवालों का जवाब दिए बिना यह बताकर बैठ रहे हैं कि नोट कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मंत्री तक सदन में मौजूद रहे हैं, इसी कारण अधिकांश विधायक सत्र में भाग लेने में रुचि नहीं दिखा रहे। गत सोमवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों की संख्या बहुत ही कम पाकर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सभी विधायकों व मंत्रियों को बुलाया और उनसे उन्हें विपक्ष की गैर मौजूदगी के बावजूद सत्र को गंभीरता से लेने और इसमें लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। मंगलवार को भी सदन में विधायकों की संख्या तब तक सही रही जब तक चंद्रबाबू सदन में मौजूद रहे।